जय माता दी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेक फूडीज में। सो फ्रेंड्स, आज सेकंड नवरात्रा है और मैं आप लोगों को कुट्टू के पकोड़े की रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं और स्वाद में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो अब हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए मैं आपको बताती हूँ। सो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक कटोरी कुट्टू का आटा लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चों को पीस लिया है, हमने नमक लिया है और साथ में ही बॉईल करके आलू भी लिए हैं। 4 से 5 मैंने बॉईल आलू लिए हैं। बॉईल आलू को हम एक बाउल में डाल के और उनको मैश कर लेंगे। आप लोग अपने हाथों से भी इनको मैश कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास कोई स्पैचुला है तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने सारे जितने भी आलू थे उनको मैश कर रही हूँ। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ऐसे ही मोटा मोटा इनको मैश कर लेना है। मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा डालने के बाद इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर किसी स्पून की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। यहाँ पे मैंने सेंधा नमक लिया है, व्रत में सेंधा नमक का ही यूज़ होता है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची जिनको हमने पीस लिया था। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो फ्रेंड्स, हमने जो कुट्टू का आटा बचा लिया था, हाफ पहले डाला था, तो हाफ जो बचा था वो अब मैंने इसमें डाल दिया है और डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। सो ये देखिए, हमने इसको मिक्स कर लिया है, बट ये थोड़ा ड्राई था तो इसमें हमने पानी डाला है। 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसमें पानी डाला है और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने बनाते हैं कुट्टू के पकौड़े। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही ऑयल रख दिया था कढ़ाई में डाल के, और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे फॉर्चून ऑयल का यूज़ किया, ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कैजुअली ऐसे ही बता रही हूँ। सो हमारा ऑयल है वो भी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम बनाते हैं पकौड़े। तो आप थोड़ा थोड़ा पोर्शंस लेंगे और इसमें पकौड़े बना के डाल देंगे। हमारी जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए। पहले ऑयल को काफ़ी अच्छे से हमने गर्म कर लिया था। हमारा जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था और गर्म होने के बाद हमने जो फ्लेम है वो लो कर दी थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक के बाद एक डाल रही हूँ। जितने हमारे कढ़ाई में आएंगे हम उतने इसमें कुट्टू के पकौड़े डाल देंगे बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हम इसको एक अच्छी की हेल्प से हिला देंगे, ऊपर नीचे इनको कर देंगे, जिससे ये काफ़ी अच्छे से सिक जाएं। तो ऐसे ही रेगुलर हमें 5 से 6 मिनट तक इनको पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा कलर इनमें आ रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, 4 से 5 मिनट तक बस इसमें लगती हूँ और हमारे जो कुट्टू के पकौड़े हैं वो बन के हो जाते हैं बिल्कुल रेडी। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डलते हैं, ये सिंपल कुट्टू के पकौड़े हैं। आप लोग पालक वाले कुट्टू के पकौड़े भी बना सकते हैं। हरी मिर्च की जगह आप लोग काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब इनको निकाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे इनको टिश्यू पेपर पे निकाला है, जिससे इनमें जो बचा हुआ ऑयल है वो भी टिश्यू पेपर पे निकल जाए। तो गाइज, ये जितने बाहर से क्रिस्पी हैं उतने अंदर से भी क्रिस्पी हैं। हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई किया है, तो उस फ्लेम पे जो पकोड़े होते हैं उनमें अच्छे से अंदर तक वो सिक जाते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम अपने बाकी के जो बचते हैं वो पकोड़े भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपने पकोड़े का फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, हमारे कुट्टू के पकोड़े की डिश है वो बनके हो गई है रेडी। मैंने यहाँ पे दही ली है एक कटोरी में, उसमें हल्की सी काली मिर्च और साथ में सेंधा नमक डाला है। सो फ्रेंड्स, हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।